स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। संसद की कार्यवाही चल रही है और लगातार हंगामा बरपा हुआ है। जिस तरीके से तमाम जो सांसद हैं वो एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं, इन सब के बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। लोकसभा से कांग्रेस पार्टी के सांसद राहुल गांधी के भाषण को हटा दिया गया है। जी हां, अडानी मुद्दे को लेकर राहुल गांधी ने जिस तरीके से सरकार पर हमला खोला था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा था और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल उनके जरिए किया गया था, अब उनके भाषण को लोकसभा से हटा दिया गया है, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। लेकिन इस पर कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश की ओर से ट्वीट किया गया है। सबसे पहले जयराम रमेश ने ही ट्वीट करते हुए दावा किया कि लोकसभा की कार्यवाही से राहुल गांधी के भाषण को हटा दिया गया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि ऐसा करके लोकसभा में लोकतंत्र को दफन कर दिया गया है, ये बड़ा हमला उन्होंने बोला। लेकिन आपको ये बताते हैं कि जिस तरीके से अडानी मुद्दे को लेकर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तमाम गंभीर आरोप लगाए थे, बीजेपी लगातार ये कह रही थी कि दरअसल राहुल गांधी बिना किसी प्रमाण के इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं, इस तरीके से ये तमाम बेबुनियादी बातें कर रहे हैं और ये दरअसल असंसदीय भाषा का इस्तेमाल सदन में किया जा रहा है। ये तमाम जो बातें हैं ये बीजेपी की ओर से राहुल गांधी के भाषण को लेकर कही गई। बीजेपी के तमाम नेताओं ने राहुल गांधी के भाषण पर पलटवार भी संसद में किया, रविशंकर प्रसाद से लेकर पीयूष गोयल और यहां तक कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से लेकर स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पार्टी पर पलटवार किया। लेकिन अब ये बड़ी खबर सामने आई है कि राहुल गांधी के इस भाषण को लोकसभा से हटा दिया गया है। खासतौर पर अडानी मुद्दे को लेकर राहुल गांधी ने जो भाषण दिया है, दरअसल वो हिस्सा ही लोकसभा की कार्यवाही से हटाया गया है। साथ ही इसके अलावा टीएमसी की नेता महुआ मोइत्रा ने भी जिस तरीके से भाषण दिया और उनके भाषण को लेकर काफी हंगामा जो है वो सदन में हुआ है। आपको बता दें, उन्होंने भी एक असंसदीय शब्द का इस्तेमाल किया था जिसके बाद ये हंगामा देखने को मिला। हालांकि महुआ मोइत्रा ये कह रही हैं कि ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन आपको ये बता दें कि महुआ मोइत्रा के भाषण का भी कुछ हिस्सा हटाया गया है लोकसभा से, ये जानकारी सामने आ रही है। इसके अलावा बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे के भाषण का भी कुछ हिस्सा हटाया गया है, क्योंकि उन्होंने भी राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया था जो कि असंसदीय है। और यही वजह है कि लोकसभा की कार्यवाही से इन तमाम भाषण के हिस्सों को हटा दिया गया है। फिलहाल ये बड़ी कार्रवाई हुई है। और आपको ये बता दें कि अडानी मामले पर भाषण के कुछ हिस्से रिकॉर्ड से हटाए गए हैं। राहुल गांधी की हम बात कर रहे हैं, चूंकि राहुल गांधी ने कल लोकसभा में अडानी मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़े हमले बोले थे, इसके बाद बीजेपी और कांग्रेस पार्टी आमने सामने आ गई थी। लेकिन उन सब के बाद अब राहुल गांधी के भाषण का कुछ हिस्सा रिकॉर्ड से हटा दिया गया है। महुआ मोइत्रा और निशिकांत दुबे के भाषण का भी कुछ हिस्सा हटाया गया है, यानी लोकसभा की कार्यवाही की जो पूरी डिटेल आती है उसमें अब ये जो भाषण है ये नहीं होगा। और ये माना जाएगा कि लोकसभा में राहुल गांधी, महुआ मोइत्रा और साथ ही निशिकांत दुबे ने ये बात नहीं की है, यानी अगर ये हिस्सा रिकॉर्ड से हटाया गया है, अगर ये भाषण रिकॉर्ड से हटाया गया है, तो जाहिर तौर पर ये माना जाएगा कि ये तमाम बातें दरअसल उस सांसद ने लोकसभा या फिर राज्यसभा में नहीं कही है। और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं तिलमिलाई हुई है। कांग्रेस पार्टी के जो सीनियर लीडर हैं जयराम रमेश, उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है और लिखा गया है कि ऐसा करके लोकसभा में लोकतंत्र को दफन कर दिया गया है। तो एक तरफ राहुल गांधी जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अडानी को लेकर दरअसल बड़े हमले बोले थे, उनकी तरफ से जो दरअसल आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोदी सरकार पर लगाए गए थे, उनके आरोप का
आधार जो है वो जादू था। जिस तरह से गौतम अडानी 8 साल के भीतर अमीरों की लिस्ट में काफी ऊपर आ गए, उसको लेकर राहुल गांधी ने सवाल पूछे। इतना ही नहीं, आपको ये बताते हैं कि राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया उसको लेकर भी काफी हंगामा हुआ। बीजेपी ने राहुल गांधी पर, कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने लोकसभा में योगी आदित्यनाथ को निशाने पर लेते हुए ये कहा कि वो एक धार्मिक संत नहीं है बल्कि वो एक महाठग हैं, एक ठग हैं। इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल राहुल गांधी की ओर से किया गया था। लेकिन अडानी के मुद्दे को लेकर जो कांग्रेस पार्टी संसद से सड़क तक तिलमिलाई हुई है, जिस तरीके से लगातार उनके नेता अडानी मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर मोदी सरकार के खिलाफ जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वही शब्दों का इस्तेमाल राहुल गांधी ने कल लोकसभा में अपने भाषण के दौरान किया और शायद यही वजह रही कि इस तरीके से अब राहुल गांधी के इस भाषण को लोकसभा की कार्यवाही से हटा दिया गया है। यानी अब उनका ये भाषण रिकॉर्ड में नहीं है। अब ये बिल्कुल नहीं माना जाएगा कि राहुल गांधी ने लोकसभा में ये भाषण दिया है। जिस तरीके से राहुल गांधी ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा है, यही वजह है कि पूरी कांग्रेस पार्टी बौखलाई हुई है। उनकी तरफ से लगातार संसद के दोनों सदन यानी राज्यसभा और लोकसभा में तमाम जो उनके सांसद हैं वो इस तरीके से सरकार पर हमला बोल रहे हैं। फिर चाहे बात मल्लिकार्जुन खड़गे की जाए या फिर बात राहुल गांधी की जाए, लगातार अडानी के मुद्दे पर ही वो मोदी सरकार को घेरने पर लगे हुए हैं और यही मुद्दा अब सदन में खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सदन में भाषण देंगे। लोकसभा में आज प्रधानमंत्री का भाषण है और माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री आज राहुल को उनके आरोपों का जवाब जरूर देंगे। विपक्ष और कांग्रेसियों को जरूर आज प्रधानमंत्री की ओर से जवाब मिलेगा। एक तरफ राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के नेता जिन्होंने अडानी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरते हुए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, जिस असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया गया, यही वजह रही कि इस तरीके से लोकसभा की कार्यवाही से उनका ये भाषण अडानी से जुड़ा हुआ हटा दिया गया है। तो वहीं टीएमसी के नेता महुआ मोइत्रा जो लगातार अपने भाषण को लेकर, अपने बयानों को लेकर, अपने ट्वीट को लेकर सुर्खियों में रहती हैं, उन्होंने एक बार फिर से दरअसल जो भाषण उन्होंने सदन में दिया है उसको लेकर कहीं ना कहीं वो निशाने पर आ गई हैं। तेलुगु देशम पार्टी के राममोहन नायडू जब सदन में बोल रहे थे तो इस दौरान महुआ मोइत्रा ने एक ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया जिसको लेकर तमाम बीजेपी के सदस्यों ने हंगामा खड़ा किया और बीजेपी सांसदों का ये कहना था कि महुआ मोइत्रा ने असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया है, जिसके बाद उनके भी भाषण को रिकॉर्ड से हटा दिया गया है। और कुछ ऐसा ही बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे के साथ भी हुआ है, जिनके भाषण का कुछ हिस्सा रिकॉर्ड से हटा दिया गया है। आपको बता दें ये वही निशिकांत दुबे हैं जिन्होंने दरअसल राहुल गांधी के भाषण पर आपत्ति जाहिर करते हुए जो है नोटिस लोकसभा स्पीकर को थमाया था और राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही थी। तो इस तरीके से लगातार सदन में हंगामा बरपा हुआ है। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में भाषण देंगे, जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि आखिर किस तरीके का भाषण होगा और क्या जवाब वो अडानी के मुद्दे पर या फिर विपक्ष के सवालों पर कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी दलों को देने जा रही हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।